हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मुलिसु स्वागत करुच मो चैनल लिशु की दुनिया को एक्चुअली आज मुझे आसी मोमोज रेसीपी आपण मैंने तो भेज मोमोज आउ स्टीम बाला मोमोज चिकेन मोमोज खाई तो यहाँ गोटे स्टीम बाला चिकेन रलग गोटे नुआ मोमोज रेसीपी देखूँ मोमोज केते सॉफ्ट होती आउ चटनी केते जूसी होती आउ चटनी रेसीपी भी मुझे दे देखंतु एबे आम मोमोज केते टेम्पटिंग लागुछि निश्चित भाव आपको आप घरे ट्राई करी खांतु आ केमती लगे मत कमेंट मध्य निश्चित भाव में जनातु देखंतु रेसीपी फर्स्ट आम 200 ग्राम मैदा नहीं जाते अल्प टिके लुण आ 2 टेबल स्पून तेल देकि सेटा को भलसे चकटी दबा पूरा सॉफ्ट डो करदे आस्ते आस्ते अल्प अल्प पानी दे 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 आपन सेटा को चकटी देबे भलसे चकटी देले परे देखंतु एई टाइप रो डो बनेबे एतिके सॉफ्ट वाला टिके सॉफ्ट हेतिबो तापर ताको 15 मिनट रेस्ट पई छाडी देबे तापर आमे दिरे टमाटर नै चंदी एठी दिटा सुखले लंका नै चंदी गोटे कंचा लंका आपन राग आपन को हिसाब रे रखि परबे 5-6 कुला रसुण नै चंदी तापर आमे सब टमाटर रे एमती कट लगे देबा काहे किना एमती कट लगे देले बहुत जल्दी सिझियो टमाटरटा देखंतु तापर आमे गोटे पैन नबा पैन रे अल्प टिके पानी दबा पानी दे सारा परे सेथिरे आमे टमाटो आउ से कंचा लंका सुखला लंका आउ रसुण को सब देकी टिके सिझीबा को छाडी दबा 10 मिनट तक सिझी सारा परे तापरे सेटा को गोटे जगार पात्र रे काढ़ी देबे तो काढ़ी सारा परे से तार ऊपर जो स्किन माने चोपाटा को बाहर कर देबे बाहर करी ताको ग्राइंडिंग जार रे दे देबे सब लंका आउ रसुण आउ कंचा लंका जहाँ भी सब दे देबे से जो पानी रे फुटे थे सेटा वेस्ट करबेनि एथिरे देकी बाटी दे देबे तापरे आमे एमती गोटे छोट पैन रे एमती नहीं जा अल्प टिके तेल तापर टिके सोरीस पकईदे आ रसुण कटा रसुण पकईदेक से छुंकटा देदेबा तापर आम से टिके चाट मसला और टिके बीट लुण पकईदेक बस एबे हमर रेडी चटनी एबे हमें मोमोज पे स्टफिंग बनांदा स्टफिंग पे हमको फर्स्ट छोट छोट कटाई थे प्याज रसुण आलू आउ कंचा लंका दरकार आउ टिके रिफाइन तेल दरकार आउ चिकन किमा पाखापाखि 200 ग्राम हमको दरकार एबे आमे सुखिला मसलार नहीं काश्मीरी चिली हल्दी पाउडर धनिया पाउडर जीरा पाउडर गोटा जीरा गरम मसला गोलमरीच पाउडर आउ स्वाद अनुसार लुण आउ आम एवं नहीं टमाटो सॉस आउ सेजवान सॉस तापर आम टे मोमो मसाला नहीं जाइंट तो देखि नियंतु फास्ट आम केमती कौन बनाऊपर फास्ट आम पैन रे टिके तेल पकेबा तेल पक सारापर आम से गोटा जीरा आउ कटा प्याज रसुण को आड करदे आड कर समय भाजलापर पखापाखि 2 मिनिट भाजलापर तापर आम से कटाई रही कंचा लंका आउ छोट छोट आलू को पकईदे पकईकि टे फ्राए करदे फ्राए कर समय पर आम टमाटो से पकईकि सेटा को जस्ट टिके फ्राए करके सबुतक सुखिला मसला आड करदे पाखापाखी 5-10 मिनट भाजी सारापर सुखिला मसला सब आड करदे देखो आड कर सारापर आपड़े भलसे भाजी हाँपी छाड़देवे तापर आम ढाकुड़ी खोलिकी से आम रखी टमाटो सॉस आउ सेजवान सॉस बा सेजवान चटनी को आम से पकईदे बस पकईकी टिके फ्राए कर सारापर आम से आउ टे समयपी ढाकी देकी भलसे सीझा को छाड़ीदे भलसे मसला हो सारापर तो आम से जो रखी मोमोज मसाला बस मोमोज मसाला आम आड करवा मोमोज मसाला आड कर सारापर आम से मसलाटा को भलसे हवा को छाड़ीदे मसलाटा टी भलसे हो सारापर आम से मंस जोटा छोट छोट कि पीसटा थी तो से चिकेनटा को आम आड करदे चिकेन आड कर सारापर आम से चिकेनटा को भलसे हाँपी छाड़ीदे पखापाखि 10-15 मिनिट ताक भलसे छाड़ीदे भलसे 10-15 मिनट छाड़ सारापर देखु एमती है तापर ताको टिके एमती खड़िका साहय जोटा आप रखुं जो खड़िका ता साहय एमती छोट छोट टे मड़ीदे जमी आउ टे छोट पीस हो किमा पीस होपर आम रखी जो मैदा चकटा सेटार छोट छोट यही सैज्र गुला करदे गुला कर सारापर आम से छोट रुटी टाइप्र करी छोट छोट पूरी टाइप्र करी आम से बेलीदे देखंतु केमी बेला जाऊँच ये भाया छोट छोट जमी पूरी जो सेप एक्जाक्ट पूरी सेप्र कर बेलीदे एमती आप बेली सारापर सबुतक मैदा को तो आम एवं से स्टफ करने स्टफ करके मोमोज बनवा तो चलतु देखा मोमोज केमती बनवा तापर एमती आम एमती नहीं जा
ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗଟା ଆମେ ବନେଇଥିଲେ ଚିକେନର ଚିକେନ କିମାର ସେଇଟା ନେଇଯିବା। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ନେଇକି ପୁରୀଟା ହାତରେ ଏମିତି ଚକିରେ ରଖିକି ତା ଭିତରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଇଜି ମେଥଡ଼। ଏମିତି ଷ୍ଟଫ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଷ୍ଟଫ୍ କରିକି ଏଇଭଳିଆ ମୋମୋଜ୍ ବନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବା। ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁତକ ମୋମୋଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ବନେଇଦେବେ ତ ତାପରେ ରଖିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଟିଲି ଚାଞ୍ଚ ଥିବ ତ ସେଥିରେ ବନେଇବେ, ଯଦି ଇଟିଲି ଚାଞ୍ଚ ନଥିବ ତ ତାହେଲେ କେମିତି ବନେଇବେ ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିସ୍ରେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ନେଇଯିବେ, ନେଇକି ତାକୁ ବସେଇଦେବେ। ତ ପାଣି ଟିକେ ଗରମ ହେଇଆସିଲେ, ହାଲକା ଗରମ ହେଇଆସିଲେ, ପାଣି ଉଷୁମ ହେଇଆସିଲେ, ତାପରେ ଏମିତି ଯଦି ଘରେ କିଛି ଜାଲି ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ଥିବ ତ ସେଇଟା ରଖିଦେବେ। ରଖିସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ନେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ରେ ସେଟାକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ଗ୍ରିଜ୍ କରିଦେବେ, ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ତେଲଟା ମାଖିଦେବେ, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ ମୋମୋଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏମିତି ମାରିଦେବେ। ମାରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ମୋମୋଜ୍ ଆପଣ ବନେଇଥିବେ ତ ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରିକି ଥୋଇଦେବେ। ଥୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ତାକୁ ଆପଣ ତାକୁ ସବୁଯାକ ଯେତିକି ମୋମୋଜ୍ କରିଥିବେ ସବୁଯାକ ରଖିଦେବେ। ରଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବେ। ଢାଙ୍କି ଦେଇକି ପାଖାପାଖି 10-15 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୋମୋଜ୍କୁ। ପାଖାପାଖି 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ଖୋଲିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ମୋମୋଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆରାମସେ ଆପଣ ଆରାମସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲିଦେବେ। ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତର ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ରଖିଥିଲେ ସେମିତି ହିଁ ଥିବ, କିଛି ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ଉପରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକେଇକି ଟିକେ ସର୍ଭ କରିବେ ଯାହାକୁ ବି ଦେବେ ତାଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରେସିପି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।